वॉक का नाम है मी ब्लॉग्स। और सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि इससे पहले वाले ब्लॉग में क्या हुआ। तो इससे पहले वाले ब्लॉग में हम सब ने सीखा कि कंटेंट क्रिएशन क्या होता है और कंटेंट किस टाइप के होते हैं और एडिटिंग कैसे की जाए। तो एडिटिंग कैसे की जाए उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। पहले देखते हैं कंटेंट किस टाइप के होते हैं और कंटेंट कितने कंटेंट क्रिएशन क्या है। तो सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन के स्टेप्स बताना चाहूँगा। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन। ये मैं इंडीड करियर गाइडलाइन से सीख के बता रहा हूँ आप सबको। तो देयर आर 5 डिफरेंट स्टेप्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंटेंट क्रिएशन इज रिसर्च पोटेंशियल टॉपिक्स एंड कीवर्ड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टाइप्स ऑफ कंटेंट कितने रहते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंटेंट्स। तो मैंने कैसे ढूंढा था, मैंने ऐसे ढूंढा था कि मैं गया था ऑनलाइन और मैंने देखा था कि कंटेंट क्रिएशन क्या होता है और टाइप ऑफ कंटेंट कितने रहते हैं। तो उसकी वजह से मुझे पोटेंशियल टॉपिक्स मिले हैं और कीवर्ड्स मिलते हैं, जिसके ज़रिए मैंने आपको सबको बताया कि कीवर्ड्स के ज़रिए हम एक कंटेंट को कितना गहराई से समझ सकते हैं। सेकेंड थिंग इज ब्रेनस्टॉर्म क्रिएटिव कंटेंट आइडियाज़। अभी क्रिएटिव कंटेंट जैसे बनाना है, तो क्रिएटिव कंटेंट ऐसे बनाना है कि सबसे पहले आप क्रिएशन के ऊपर ध्यान दें कि वो वीडियो आखिर बन रहा है तो वीडियो के अंदर कितना पोटेंशियल वैल्यू ऐड होने वाला है कंटेंट का। तो सबसे पहले मैंने बैठ के वही किया, ब्रेनस्टॉर्म किया कि मैं अलग अलग डायरेक्शन से और अलग अलग कैमरा एंगल से अगर शूट करूँगा तो फिर कंटेंट कितना वायरल और कितना अलग यूनिक लगेगा। तो यूनिकनेस चाहिए रहेगी अपने कंटेंट में, इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन योर कंटेंट इज द थर्ड की। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कंटेंट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एग्जाम्स में जाने के बाद तो आप कैसे पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो कि आपको कंटेंट कितने, आपको एग्ज़ाम्स में कितने अच्छे स्कोर करना है और कितना अच्छे से मन लगा के पढ़ना रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है, जो है राइट योर कंटेंट, अपने कंटेंट को राइट करिए। और फोर्थ स्टेप है एडिट करिए और प्रूफ रीड करिए, ताकि जब आप सबके सामने जाओगे और सबके सामने जाके कंटेंट के बारे में बताओगे तो सबसे पहले वो चीज़ लगनी चाहिए कि आप वो कंटेंट को बताने के लिए रेडी रहें। तो वही रेडी रहना ज़रूरी है। और उसके बाद है शेड्यूल करिए अपने पोस्ट। पोस्ट को शेड्यूल करना पड़ता है कि आप कभी भी उठ के कंटेंट नहीं बना सकते, तो ऐसा एक टाइम ढूंढिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम कंटेंट क्रिएशन के ऊपर लगा के रखिए और दिमाग लगाए रखिए कि आप किस फील्ड को चुना, आपने किस फील्ड को चुना और आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो अपने आप को देखिए। तो यही बस 5 अलग अलग टाइप के स्टेप्स है कंटेंट क्रिएशन के। यही स्टेप्स बताने के लिए मैं ऑनलाइन आया था अभी और आप सब के सामने आके ये स्टेप्स के बारे में कुछ बातें की। आशा है, उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छी लगी रहेंगी और इस वजह से मैं आप सबको दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे रिक्वेस्ट से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखना ना भूलें मी ब्लॉग्स का 5वां एपिसोड। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।